जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। देखिए, आज हम बताएंगे कि आपके जो यूपी पॉलिटेक्निक में आपका किस ग्रेड के लिए कितनी फीस लगती है। इसके पहले हम बता दिए थे, यदि आपसे कोई प्राइवेट अथवा सरकारी कॉलेज यदि आपसे मनमानी फीस लेता है, तो उसके लिए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। उसमें यानी जो भी कॉलेज रहेगा, कॉलेज को फीस अपनी वेबसाइट पर बताना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। ठीक, और उसी के जरिए में हम क्या करेंगे, यूपी पॉलिटेक्निक में देखेंगे कि यानी किस ट्रेड के लिए कितना आपका फीस लगेगा। ठीक, देखिए, ये है ज्वाइन इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश के लिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जीकब की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से भी स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, और ये देखो अभी तक जो रिजल्ट आया वही दिखा रहा है जो डिक्लियर हुआ था। अब नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, ऐसे सबसे लास्ट में यहाँ से देखिए, करिए यूजफुल लिंक में, देखिए यहाँ से देखो ये यूजफुल लिंक में एंड एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी यूपी, यानी कितना फीस किससे लेना है, यही आपकी जो कमेटी होती है यही आपकी डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं किस साइट पर, देखिए एकदम जो आपका एडमिशन एंड किसके बारे में, देखिए एडमिशन एंड द फी रेगुलेटरी कमेटी जो आपकी गौतम बुद्ध मार्ग कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रजेंट है। ठीक है, यहाँ से एक हेल्प यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया, यदि आपसे कोई ज़्यादा फीस यदि कॉलेज कोई मांगता है तो यहाँ से आपके देखिए हेल्पलाइन नंबर से आप मदद ले सकते हैं। ठीक, ये यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वर्किंग डे होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल काम होता है, इसी के अंदर ये सब होता है। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, ये सब देखिए यहाँ से दे रखा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए कर दिया, यदि नोटिस कोई अनाउंस हुए वगैरह आता है फीस वगैरह में, तो यहाँ आपका वो लेटेस्ट दिखा देता है। ठीक है, मगर हमें फीस के बारे में जाना है तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला नीचे वाला लिखा हुआ है लेटेस्ट फी ऑर्डर 2022 एंड 23, इसमें यानी अब देखना चाहें 2021 और 22 में कितना फीस लगा था तो उसके लिए, मगर आप एडमिशन प्रजेंट टाइम में लेंगे तो 2022 और 23 के लिए, तो इस पर यदि आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए पीडीएफ के फॉर्म में एक लोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद पीडीएफ फॉर्म ऐसे खोल लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश और फीस नियमित समिति उत्तर प्रदेश जो लखनऊ से यानी कार्यालय अध्यक्ष किसके लिए, देखिए कर दिया ये 2022 के लिए फीस है। ठीक है, चलिए अभी ये नीचे चल के हम करेंगे, देखिए ये क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश निजी जो आपके कॉलेज वगैरह हैं संस्थान उसमें देखिए 2015 और 2000 यानी अधिनियम 2006 की धारा 14 के अधिनियम शक्तियों का प्रयोग करते हुए संख्या इतना और इतना यानी 22/8/2015 को निर्धारित की गई थी, मगर अब निर्धारित की गई थी उसे क्या कर दिया, देखो नियमावली 2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र डिग्री तथा डिप्लोमा स्तरीय में अब 2022 और 23 के लिए 1 वर्ष के लिए जो ये फीस बताई जा रही है केवल 1 वर्ष के लिए है। शुल्क कितना होगा वो नीचे आपका यहाँ से दिया गया है, देखो शुल्क निर्धारित कर दिया गया, देखिए यहाँ से शुल्क निर्धारित कर दिया जो नीचे दे रखा है। ठीक है, चलिए इसे देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए ये आपका देखिए किसके लिए निर्धारित शुल्क 2013 यानी 22 और 23 के लिए, ये केवल 1 वर्ष के लिए फीस है। ठीक है, देखिए बीटेक, ठीक थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देंगे, देखिए ये आपका फीस पहला दे रखा बीटेक का, बीटेक का कितना हज़ार, 55,000 एक साल की ये फीस है। ठीक, 55,000 रुपये। ठीक है, और नीचे इसी के जस्ट हमारा दिया है बी फार्मा, बी फार्मा एक बैचलर डिग्री होती है जो फार्मासिस्ट लोग करते हैं, इसमें आपका 63,300 रुपये, 63,300 रुपये ये गवर्नमेंट फीस है। ठीक है, ये जो प्राइवेट कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेंगे तो उसमें इतना आपसे फीस लेंगे। ठीक, उसके बाद उनका ट्यूशन फीस वगैरह बहुत सारा उसमें होता है, कैंपस फीस उसमें देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी आर की क्या, बी आर की एक इसमें कितना फीस देना पड़ेगा, 57,730 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, 57,730 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद यदि बी एफ ए आप करना चाहते हैं तो 85,250 रुपया, कितना, 85,250 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके निर्धारित फीस की गई है। और यहाँ से बी एफ ए डी करेंगे तो 85,200 उसमें भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से नीचे नीचे यदि हम करेंगे, देखिए कहते हैं बी एच एम सी टी यानी इसमें कितना देना पड़ेगा आपको, 70,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, कितना, 70,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है,
यहाँ से MBA यानी MBA यदि करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं तो 59,700 यानी 59,700 रुपये इसकी फीस है, ठीक है। और यहाँ से देखिए कर दिया MCA, यदि MCA करना चाहते हैं तो 55,000 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। कितनी? 55,000 रुपये यदि फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक। और इसी में यदि आप कितना क्या करना चाहते हैं, एम फार्मा, अभी देखो बी फार्मा के बाद लोग क्या करते हैं, वो बैचलर डिग्री थी या मास्टर डिग्री, ठीक है। एम फार्मा करेंगे तो छः यानी 68,070 यानी 700, ये 50 रुपये लगेगा, यानी 68,750 रुपया। कितना? 68,750 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये 1 साल की फीस है किसकी? एम फार्मा के लिए, ठीक। यदि एम आर की करना चाहते हैं तो 57,500 रुपये फीस लगेगी, ठीक, 57,500 रुपये लगेगी। और यदि एम टेक वगैरह करना चाहते हैं तो यानी आपके कितना देना पड़ेगा, 57,500 रुपये होती है, ठीक। और यदि आप समस्त BA वेशनल यानी पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो 26,900 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप क्या करना चाहते हैं, BME इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम करना चाहते हैं तो उसमें 25,700 रुपये देगा। ये था आपका कोर्स किसके बारे में, ये जो पाठ्यक्रम है निजी, देखो निजी डिग्री स्तरीय अधिनियम संस्था हेतु है, ठीक है। ये डिग्री, अब नीचे चलते हैं, आपको और कोर्स बहुत सारा दिखाते हैं, ठीक। नीचे से स्क्रॉल करके जाइएगा तो ये सब आपकी डिप्लोमा डिग्री है। कौन सी? डिप्लोमा डिग्री के बारे में बता देंगे। यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ, देखिए कर 2022 और 2023 के कितने रुपये लगेंगे, ठीक। फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यदि करना चाहते हैं 30,150 रुपया। कितना? 30,150 रुपया। ये 3 वर्षीय कोर्स है। कितना? 3 वर्षीय कोर्स है, ठीक है, 3 वर्षीय कोर्स है। मगर इसमें जो फार्मेसी है ये केवल 2 वर्ष की कोर्स होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखो, कर दिया डी फार्मा के फीस कितना है आपका, 45,000 टोटल। टोटल कितना? 45,000 1 साल की फीस है। और यहाँ से नीचे दिया है डी आर की का यानी डी आर की यदि आप करेंगे तो 1 साल की फीस कितनी है, 30,250 रुपया। कितना? 30,250 रुपया डी आर की फीस है, ठीक। अब यहाँ से देखिए डी एच एम सी टी कितना है, 31,300 रुपये फीस इसकी है, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो ऊपर नंबर दिया गया है फीस कमेटी का तो उस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि ज़्यादा कोई फीस लेता तो आप वहाँ से आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय तकनीक संस्था 2 वर्षीय डी फार्मा, देखिए क्या लिया, डी फार्मा यानी क्षेत्र को छोड़कर, कितना? डी फार्मा क्षेत्र को छोड़कर यहाँ पर डी 2 वर्षीय तथा 1 वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों के लिए कितना निर्धारित किया गया है आपका, 22,500 रुपये। कितना? डी फार्मा को छोड़कर 22,500। डी फार्मा को ऊपर बता दिए हैं कितना, 45,000 रुपये होता है, ठीक है। अब देखिए सहायता यानी सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीक संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क यानी कितना है, ये आपका देखिए 19,000 रुपये मानक बनाया गया है, ठीक है। ये सब आपकी फीसें हैं, ठीक है। देखिए उपर्युक्त, ये देखिए यहाँ से लिख दिया है, उपर्युक्त मानक शुल्क में छात्र यानी छात्रवास शुल्क, यदि आप किसी में रहेंगे यानी मान लेते हैं कोई आपका गवर्नमेंट कॉलेज यदि अलॉट होता है तो वहाँ पर यदि रहेंगे तो ये केवल फीस है, ये केवल कॉलेज फीस हो। वहाँ पर यदि छात्रावास में रहेंगे यानी हॉस्टल में रहेंगे या विश्वविद्यालय बोर्ड शुल्क एवं जमानत की धनराशि को ये छोड़कर है, ये अलग से लगेगा, ठीक है। ये अलग से लगेगा, विद्यालय शुल्क वगैरह अलग से लगेगा, ट्यूशन फीस भी क्या होता है में भी मान्य होगी, ठीक। ये सब को फिक्स करेंगे कॉलेज वाले, ये तो गवर्नमेंट फीस है, ठीक है। आप यदि यानी मानक सहमत क्या ले मानक शुल्क से सहमति की दशा में जो संस्था मानक शुल्क को स्वीकार करना चाहती है वे समिति की अधिकृत वेबसाइट किस पे, www.afrcup2018.in पर अपना लॉगिन और आवेदन करके उसमें क्या कर सकते हैं, 15 दिन के लिए मानव शुल्क को क्या क्या कर सकते हैं, विलंब वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। ये था आपके फीस के बारे में सूचनाएं, ठीक। अब नीचे करके ये सारी सूचना दे रखी है। अब देखिए इस साइट पे आप जाकर यानी जाकर आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी साइट आप यानी उसमें देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब नीचे स्क्रॉल करके यदि आप जाएंगे तो नीचे आपको केवल यही सब लिखा हुआ है, ठीक। यदि कोई आपको किसी दशा में ये दे रखा है, ठीक है, अब यहाँ से ये आपका दे रखा है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका निवारण किया जाएगा, ठीक। ऑल द वेरी बेस्ट।